जाएगा। Hi friends. Good evening. Good evening. तो यार कल हम पंजिम से आए थे थके यारे, मतलब बुरी हालत थी। दो दिन हम वहाँ पे पंजिम में घूमते ही रहे। वैसे मैंने दोपहर में उठ के खाना वाना तो खा लिया था। आज 12 बजे उठे, कितने बजे उठे? हाँ 12 बजे के आसपास। हाँ तो खाना वाना तो मैंने खा लिया था। रिचा तो फास्टिंग पे है और फिर मैं वीडियो बना रहा था आपके लिए। फाइनली वो एक्सट्रैक्ट होगी लेकिन एक बार डिलीट होगी थी। नहीं तो हम चले जाते बाहर घूमने। बट यार आज सच में बहुत ही ज्यादा थके हुए थे, इसलिए हम कहीं पे भी जाते हैं ना, कहीं पे भी तो मिनिमम 10 डेज के लिए तो जाते ही जाते हैं यार। कि मतलब ट्रैवल में थकान तो हो जाती है, और हम ट्रैवल करने आए, कोई थकने थोड़ी ना आए हैं। हम तो मजे से ट्रैवल करते हैं, धूप में रेस्ट करते हैं और सब कुछ सब कुछ। और आज हम सुबह से कहीं पर भी नहीं गए हैं। सुमती ने पका दिया पूरा का पूरा, जा रहे हैं। आ जाओ ना आप। तो अभी हम जा रहे हैं, जैसे आप देख लो कि बाहर अंधेरा हो गया। अच्छा यार, अब हमारे रिजॉर्ट में काफी लोग आ गए ठूस ठूस कर, और लाइटिंग भी हो रही है, और अब दिवाली की लाइटिंग भी हो गई। यहाँ पे यार दिवाली स्पेशल बनती है, यहाँ पे नरकासुर को जलाया जाता है। नरकासुर को जलाया जाता है, तो वो मेरे को गोवा में ही आके पता लगा कि भाई यहाँ पे नरकासुर होता है कुछ, और जबरदस्त नरकासुर बनाते हैं। इस बार पता नहीं कोविड के चक्कर में शायद इतने ज्यादा नहीं मनाएंगे। और आज बट रस्ते में हमको काफी नरकासुर मिले, और आज हम टोटल हॉलिडे के मूड में हैं। वैसे तुम रोज ही हॉलिडे में होते हैं, बट आज तो मैं टोटल हॉलिडे के मूड में हूँ। और आज यार यहाँ पे स्विमिंग पूल में इतने सारे क्रोकोडाइल, मतलब ऐसे मोटे मोटे लोग, मुझे लग रहा था जैसे क्रोकोडाइल ऐसे पड़े हैं, इतने सारे क्रोकोडाइल पड़े हुए थे। तो मतलब काफी लोग इंजॉय कर रहे हैं, बट बहुत मोटे मोटे थे। और बड़े तेज तेज म्यूजिक चल रहे थे आज सुबह से पूल साइड हमारे। तो मतलब अब टूरिस्ट आने लग रहे हैं, अब काफी फर्क पड़ रहा है चीजों में और जगह पे। और अब दिवाली यहाँ पर गोवा में बहुत ज्यादा मनाई जाती है, जो हमें नहीं पता था। तो अब हम घूमने जा रहे हैं क्योंकि मैंने सुमित की जान खा रखी कि कहीं चल कहीं चल। और मैं गंजा भी होने वाला हूँ। हाँ, और सुमित आज ही गंजा होने वाला है। आज ही होगा? हाँ सुमित आज ही गंजा होने वाला है। मेरे बाल काफी ना झड़ने लग गए यार, थोड़े से ना आगे आगे से बाल होने लग गए। तो उसने पहले भी ना कराया था। मैं कई महीने गंजा रहता हूँ ताकि मेरे बाल चलते रहें। फिर कैसा लगेगा सुमित देखने में? पता नहीं कैसा लगेगा, स्मार्टी सा लगेगा वैसे। पता नहीं कैसा लगूंगा। तो अभी आज आप लास्ट लुक देख लो बाल वाले लड़के की, फिर आपको टकला देखने के लिए मिलेगा। और नरकासुर को कॉम्पीट करेगा सुमित। और हम नहीं, और हम बोल रहे थे ना यार कि भाई घूमने जाओ तो यार पूरा टाइम लेके जाया करो, 3-4 दिन में कोई घूमना होता नहीं है ना, आप उस चीज का मजा ले पाते। मतलब 10 दिन तो कम से कम होने चाहिए ताकि आप थक हार जाओ तो कम से कम सो तो जाओ यार, है ना। नहीं तो मैंने देखा है कई लोग घूमते ही रहते हैं थक जाते हैं बुरी तरह, और सारी चीजों का मजा भी नहीं ले पाते। बट आपकी तरह से कोई मजा ले नहीं पाता लाइफ में ना, सबको काम करना होता है अपना। नहीं, काम तो काम से छुट्टी 10 दिन की ले लें यार, 10 दिन के लिए आ जाए साल में। नहीं वैसे सुमित भी काम कर रहा है, ये देखो ये लैपटॉप तो जब से हम गोवा आए हैं तब से ये बेचारा ऑन ही है, ये ऑफ नहीं हुआ। तो सबसे ज्यादा काम तो ये लैपटॉप और सुमित कर रहे हैं, नहीं ये मोबाइल भी कर रहे हैं, और मैं वेली बैठी रहती हूँ। हाँ लेकिन जो भी आपको थंबनेल मिलता है वो खाली रिचा जी बनाती हैं, बाकी सब कुछ सुमित करते हैं। एंड वी हैव अ टीम आल्सो। थंबनेल की फोटो भी मैं ही लेता हूँ। थंबनेल फोटो तो यही लेगा ऑब्वियसली, जब मैं उसमें होती हूँ। यार अब हमारा ना कैसीनो वाला वीडियो देख के पागल होने वाले हो आप लोग। मतलब जबरदस्त हमने वीडियोस बनाई है कैसीनो की, वो कैसीनो जबरदस्त था तो वीडियो तो शानदार बननी। और यार जैसे ना हमें ज्यादा व्लॉगिंग करने की भी इतनी आदत नहीं है, ठीक है। तो इतना घूमना पड़ा, इतना चलाना पड़ा वहां पर व्लॉगिंग के लिए, अलग अलग शूटिंग लेनी पड़ी। तो 4-5 घंटे के बाद तो सुमित और मैं ऐसे बैठ गए थे ये घर ले चलो अब तो, क्योंकि आदत नहीं है ना। मतलब इट वॉज मस्ट वॉच वीडियो, बट हमें क्योंकि इतनी आदत नहीं है तो हमने हर लेवल की वीडियोस बनाई है। मतलब वो बिग डैडी में 5 लेवल्स थे,
तो लेवल वन की अलग वीडियो बनाई है, लेवल टू की, लेवल थ्री की, लेवल फोर की, लेवल फाइव की, किड्स एरिया की भी हमने अलग से बनाई है, और वहाँ पे हुक्का रूम था उसकी भी वीडियो अलग से बनाई है। हाँ, और बिहाइंड द स्टेज जाकर भी हमने सारे एक्ट्रेस वेक्ट्रेस के साथ फोटोज खिंचवाई और बहुत सारा और मजा लिया, और डांस के बारे में बहुत सारा इंक्वायर करा, वो हम सब आपको पर्टिकुलरली एक 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 करके डालेंगे अभी, लेकिन हम इकट्ठा डाल रहे हैं एक वीडियो कॉमन। और तो और कुछ नहीं, अब हम घूमने जा रहे हैं। और यार हमारे थोड़े ये हिलता रहता है, थोड़ा बियर कर लो यार, अभी हमने गिम्बल लिया नहीं यार, गिम्बल ना यहाँ पर गोवा में पता गोवा में हाई स्टैंडर्ड ही मिल रहा है, मतलब 50,000 से तो गिम्बल स्टार्ट हो रहा है यार DSLR। अभी जब हम दिल्ली जाएंगे अपने घर की पैकिंग करने एक बार, तो हम वहां से फिर गिम्बल और ड्रोन व्रोन खरीद कर लाएंगे। तो अभी प्लीज ये मैसेज मत करना कि हमारा बहुत हिल रहे हैं, ये कुछ हम कोशिश कर रहे हैं अपनी क्वालिटी सुधारने की, बट अब दिल्ली जाके शॉपिंग होगी उसकी, तो ये चक्कर है। और दिल्ली पता नहीं कब जाएंगे, दिल्ली सुमित बोल रहे हैं, सुमित ने आज बोला कि तू ही फ्लाइट लेके चली जाइयो घर, मैं यहाँ पे मजे कर लूंगा और ये यहीं पे ही रहेगा। सोचो यार हम बहुत पोल्यूशन है, मेरे को खांसी हो जाएगी, अस्थमा हो जाएगा। वहाँ वैसे तो दिल्ली में रहते थे ना इतने सालों से, तो आप मेरे साथ ऐसा करोगे? देखो तो आप मेरे साथ ऐसा करोगे? चलो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम घूमने जा रहे हैं, नहीं तो ये पूरा दिन ऐसे बेकार कर देगा। चलो तो ओके हो, और आज भी पूरा दिन मेरा एडिटिंग में गया, और वैसे रिचा ने बहुत ज्यादा धूप में मेरे को घुमाया, क्योंकि एक्चुअली अब हम रहने का भी घर ढूंढ रहे हैं। आज क्या तारीख हो गई? 10 ना, पागल 12 है, 12 है आज, हम तारीख की गिनती भूल गए, गोवा का सीजन स्टार्ट हो जाता है और दिसंबर चालू होते ही सबके रेट्स बढ़ने लग जाते हैं। तो क्या बोलते हैं, अभी हमने ये वाला जो रिजॉर्ट लिया था ये हमने 40,000 का लिया था फॉर अ मंथ, इसमें स्विमिंग पूल भी था, हम कई बार हमने स्विमिंग पूल भी यूज़ किया है, और गोवा में शायद इसी रिजॉर्ट में शायद स्विमिंग पूल है। हाँ स्विमिंग नहीं स्टार्ट हुई है। हाँ स्विमिंग स्टार्ट हुई और तो हमने कईयों से पूछा, कई बहुत जगह हाँ उनके स्विमिंग पूल भी साफ नहीं है, कुछ नहीं है, बट अब क्या है कि हमारा प्लान बन गया कि हमको बहुत दिन रहना है यहाँ पे। और हमने एक जगह रहकर बहुत बोर हो जाते हैं, तो यहाँ पर एक महीना हो गया, तो देखो ना हमें तो पैसे देने ही है, तो क्यों ना हम और प्रॉपर्टी ट्राई करें ना। तो उसमें तो मैंने प्लान बनाया कि हम थोड़े दिनों के लिए बीच में साउथ गोवा जाएंगे, तो वहां से पूरा घूमेंगे सब कुछ करेंगे, तो 24th के बाद हम साउथ गोवा जाएंगे, तो वहाँ पे हमारे 10-15 दिन तो लगेंगे, बहुत ही इजी बी ट्रैवल करते हैं, मजे मारते हैं, एक दिन में हम सब कुछ कवर कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसी हमारी ट्रिप्स नहीं होती, हम जहाँ मन करता है वहाँ रुक जाते हैं, पूरे दिन आराम करते रहते हैं, 2 दिन पंजिम भी रुक के आए, तो तब भी हम ज्यादा सोचते नहीं है कि हमारा और खर्चा लग रहा है, ये लग रहा है, यार थोड़ा एंजॉय भी करना चाहिए, थोड़ा आराम से भी करना चाहिए, फिर थक भी जाते हैं। और फिर हमने सोचा कि फिर हमको ना एक्चुअली ये बात भी हो गई, जैसे हम काफी सारे लोकल लोगों से मिल भी गए हैं, और फिर हमको पता लग गया कि इससे चीप भी हमको बहुत बढ़िया बढ़िया स्टे मिल सकते हैं, तो महीने में अभी हमने जैसे कल पता किया तो 15,000 से 20,000 तक के लिए आपको 1 BHK विद किचन विद एवरीथिंग विद फुली फर्निश, फुली फर्निश आपको मिल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया। बस वो है ठीक है, पूल नहीं होता और रिजॉर्ट नहीं है, हमको तो रहने ही है यार, हम तो घूमते नहीं नहीं, और वैसे भी यार बीच में तो जाते, बीच पे जाओ तो स्विमिंग पूल जाने का वैसे ज्यादा मन ही नहीं करता, बीच वाले में बीच है पास में, तो नहीं पूल के यार मजे तो होते हैं। तो अब हमने सोचा है कि हम 10 दिसंबर के आसपास वापस आ जाएंगे नॉर्थ गोवा में, क्योंकि तब नॉर्थ गोवा ज्यादा हैपनिंग होता है, बट अभी तो नॉर्थ गोवा में ही है, वो तो नॉर्थ गोवा में, साउथ गोवा में हम जाएंगे 24 के बाद जाएंगे, तो अभी अप्रोक्सीमेटली 10-12 डेज हैं, तो अभी हम सोच रहे हैं कि थोड़ी प्रॉपर्टी कोई देखकर बुक कर देते हैं आगे कमिंग दिसंबर के लिए, 15 के बाद तो फिर बहुत महंगी, ताकि क्योंकि फिर हम अगर जब उधर से आएंगे साउथ गोवा से तो मतलब इट विल बी वेरी क्राउडेड, और ये भी तो है ना हमारा मटका और हमारा इतना सारा सामान कहाँ जाएगा, तो हमने सोचा कि अगर कोई प्रॉपर्टी यहाँ पर ले लेंगे तो वहाँ पर हमारा सारा मटका, सारे क्रॉकरी, सारे बर्तन, कुकिंग यूटेंसिल्स, वो सारे वहाँ पर हम रख देंगे, और आपको अफोर्डेबल हाउसिंग का भी पता लग जाएगा कि आप इजीली अगर लॉन्ग टाइम के लिए आ रहे हैं तो आपके ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होने वाले 15 से 20,000 तक के लिए, और आपको और भी ऊपर जाना है, विला में जाना है, तो
30-35 हज़ार में तो आपको पूरे महीने के लिए बढ़िया बढ़िया रिजॉर्ट्स मिल जाते हैं। और आज के ब्लॉग में फ्रेंड्स आप लास्ट तक जरूर देखते रहना, लास्ट में आएगा एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो आप देखकर हैरान हो जाओगे। फिर आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वो सरप्राइज कैसा लगा। मतलब सुमित मुझे तैयार कर रहा था उस सरप्राइज से 2 महीने के लिए कि ये करते हैं करते हैं करते हैं, तो आज मैंने फाइनली हाँ कर पाई हूँ दिल पे पत्थर रखकर कि ठीक है आज वो करते हैं। तो प्लीज आप ये लास्ट तक देखते रहना ताकि वो क्या सरप्राइज आपको पता चल पाए, और कमेंट करके बताना कि आपको सरप्राइज कैसा लगा। तो ठीक है चलते हैं क्योंकि गोवा में इतना ज्यादा टाइम नहीं होता, फिर अभी सनसेट हो जाए, बोलेगा बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो जाए, थोड़ा ठीक मौसम होता है उसके 1 घंटे के अंदर ही सनसेट हो जाता है, फिर गर्म अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है तो फिर हम भाग रहे हैं। और एक और चीज है कि मैं गोवा में बहुत ही ज्यादा फैट लॉस कर चुका हूँ, मेरी एक एक मसल बिल्कुल अलग अलग दिख रही है। रिचा ऐसे मुंह बना रही है क्योंकि उसका कुछ नहीं हुआ। सुमित का फैट लॉस तो हुआ है वैसे बहुत ज्यादा, तो और यार मेरा होता ही नहीं यार। कल भी एक दो प्रॉपर्टीज देखी थी तो मतलब कैंडोलिम कालिंगूट बागा की साइड अगर आप कोई भी अगर 1 महीने के लिए प्रॉपर्टीज देख रहे हो तो 15-20 हज़ार में काफी बढ़िया मिल जाती है। हाँ तो हम आपको वो भी बताएंगे, दिसंबर का हमको नहीं पता भैया, दिसंबर में तो दिसंबर में तो ये लोग ना प्राइजेस हाँ, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोले क्योंकि ना एक्चुअली क्या है कि गोवा का ट्रेंड है कि वो 2-3 महीने ही काम करते हैं, बाकी क्योंकि इतने ज्यादा टूरिस्ट नहीं आते तो फिर वो जैसे मर्जी सर्वाइव करते हैं या मेन ये इसी सीजन में ही कमा लेते हैं इतना ज्यादा। तो ठीक है अब चलते हैं, फटाफट लेट हो रहा है, चलो फॉलो अस। के मस्त मस्त बाल कट रहे हैं, सुमित विल बी इन अ न्यू हेयर स्टाइल नाउ, उसका हेयर स्टाइल देखने वाला है अभी। ये सुमित ये वाला बढ़िया लग रहा है, आधा सर टकला और आधे में बाल आप करा लो ने, जो आपका आधा स्टाइल है। हाँ माफी, सुमित चाहता है कि मैं भी अपने बाल कटवा लूं और मैं भी ऐसी टकली हो जाऊं। आप बताना प्लीज नीचे मैसेज करके कि न्यू लुक सुमित की कैसी लगी है, वो तो अभी आपको वैसे अगले व्लॉग में दिखेगी, अभी इसमें तो थोड़ी लुक दिख पाएगी। और वैसे सुमित पे ये हेयर स्टाइल काफ़ी ज़्यादा सूट होने वाला है क्योंकि ये पहले करा चुका है एक दो बार, बट अभी गोवा में आके ना यहाँ पे इसके सर में थोड़ी खारिश हो रही थी, देन ही डिसाइडेड टू गो फॉर इट। वैसे ना ये लॉकडाउन में भी चाह रहा था, बस मैंने करवाने नहीं दिया क्योंकि मेरे को बड़ा डर लग रहा था। और सुमित को बहुत ज़्यादा मस्त मज़ा आ रहा है ना सुमित, मस्त मज़ा आ रहा है सुमित को। अब और बार्बर भैया और सुमित दोनों मिलकर मेरी कटिंग कराने के पीछे पड़े हुए हैं, वो मुझे बोल रहे हैं मैं भी टकली हो जाऊं। तो ये है सुमित का सेक्सी वाला साइड पोज। हाँ बस थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड एडवाइस। आप कुछ बोलना चाहते हो? आप करा लो। हाँ बस यार आप मैसेज कर बताना कि वैसे मैं तो कराने नहीं वाली, बस अभी सुमित करा रहे हैं। पता है क्या हुआ, हम ना बड़ा लेट हो गए थे तो एक दो शॉप्स बंद थी, हम पता कर आए तो मैं बड़ी खुश हो गई कि चलो कल तक बात टली, 3-4 दिन से मैं बात टाल ही रही हूँ वैसे, बट आज फाइनली सुमित ने जो भी शॉप खुली है उसको देख के कराई डाला। हाय रामा, साइड लुक से तो बहुत ही बड़ा सेक्सी लग रहे हैं वैसे। अब मैं आपको बस पूरा होने ही वाला है, भैया ने सिर्फ 2 मिनट में ही कर डाला, 4 मिनट में, मेरी टोटल रिकॉर्डिंग चल रही है 5 मिनट में ही टोटल कर डाला काम तमाम। इतनी सालों की ग्रोथ, इतनी सालों की मेहनत, स्टाइल मारना मारना सब 5 मिनट का काम था, मोस्टली डन, जैसे कि आप देख सकते हैं 99% हो गया है, अब तो हो ही गया है, बस फिनिशिंग टचेस चल रहे हैं और ये हो गया है फाइनली। ओ माय गॉड, तुम्हें ऊपर देखो,
ये आ गई न्यू लुक। अब तो कंघी करने की जरूरत ही नहीं। अब सुमित बोल रहा है वो मेरे से जल्दी तैयार हो जाएगा। वैसे भी हमेशा मैं ही तैयार हो जाती हूँ, पहले तो घंटा लगाता है भी। आराम से